कोई जब्त देना जलाल दे मुझे सिर्फ इतना कमाल दे मुझे अपनी राह पे डाल दे कि जमाना मेरी मिसाल तेरे रहमतों का नुज़ूल हो मुझे मेहनतों का सिला मिले मुझे माल और दर की खबर न हो मुझे बस कुछ रिश्ते हलाल कोई जब्त दे न जमा मेरे जहन में तेरी फिक्र हो मेरे जहन में तेरी फिक्र हो मेरी सांस में तेरा जिक्र हो मेरा खौफ तेरी नजात हो सभी खौफ दिल से निकाल कोई जब्त दे न जरा दे तेरे बारगाह में है दुआ मेरी रोज सब है यही दुआ तो रहीम है तू करीम है मुझे मुश्किलों से निकाल दे कोई जब्त दे न जलाल दे तेरे बारगाह में है दुआ मेरी रोज सब है यही दुआ तो रहीम है तू करीम है मुझे मुश्किलों से निकाल दे कोई जब्त दे न जलाल दे मुझे से कोई इतना कमाल दे मुझे अपनी राह पे डाल दे कि जमाना मेरी मिसाल दे खुदा चले मैं आधे घंटे दुकानदार बोलता हूँ मोहम्मद इलियास मास्टर साहब ने हम भी यहाँ पर पेश की मेरा शरफ के तू मुझे जवाब इफ्तिखार दे मेरा शरफ के तू मुझे जवाब इफ्तिखार दे फकीर शहर इल्म हूँ जरात एतबार दे मेरा शरफ के तू मुझे जवाब इफ्तिखार दे फकीर शहर इल्म हूँ जरात एतबार दे और कयामतें गुजर रही हैं कोई शह सवार भेज कयामतें गुजर रही हैं कोई शह सवार भेज वो शह सवार जो लहू में रोशनी उतार दे कयामतें गुजर रही है कोई शह सवार भी वो शह सवार जो लहू में रोशनी उतार दे और मैं जैसे तैसे टूटे फूटे लफ्ज करके आ गया मैं जैसे तैसे टूटे फूटे लफ्ज करके आ गया क्या ये तेरा काम है बिगाड़ के सवा को अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जन्मदिया कलमात मैंने पेश किए हैं आइए रसूल रसूल की बारगाह में चले दोस्तों इसी के बारे में अल्लाह खुद ऐलान कर रहा है कि वह अरसलना का रहमत लिल आलमीन ऐ महबूब हमने आपको तमाम आलमों के लिए रहमत बनाकर भेजा है वो रसूल दोस्तों जो जिसकी पूरी जिंदगी जरा पर रहमत जो मौसम इंसानियत है उसी रसूल की बारगाह में उसी रसूल के ताल्लुक से अल्लाह पाक ने कहा था कि वो दाना सुबुल मौला कुल कसमुल रसूल जिसमें इंसानों के बस में नहीं कि वो रसूल की निगाह बयान कर सके अगर तमाम समंदरों को रोशनाई बना दिया जाए तमाम दरख्तों की टहनियों को कलम बना दिया जाए फिर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह बयान नहीं हो सकती कहने को नाक सैयदी आला वकार की कहने को नाक सैयदी आला वकार की मुंह में जुबान चाहिए परवर इलाही की आइए ये कोशिशें हैं हमारी कि हम अपनी अकीदतों का अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं मैं आज अरसलान तकीउद्दीन साहब एक बहुत ही मासूम सी आवाज को आपके हवाले कर रहा हूँ वो खादिम जरफ़्शुदा रहमतुल्लाह अलैह भी है मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि बारगाह रिसालत मुआम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीया इनात पेशवाया अरसलान तकीउद्दीन